आज हम बहरिया ऑर्चर्ड फेस फोर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। राइट नाउ मौजूदा मार्केट में इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है, इसकी लोकेशन के बारे में अपडेट करेंगे, इसमें इस वक्त कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और इसके साथ साथ इसकी सराउंडिंग्स में कौन सी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं। इन तमाम मालूमात के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अली रजा और आप मुझे देख रहे हैं टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से। टाइटेनियम ग्रुप जो कि डेली बेसिस पे आपको रियल स्टेट के हवाले से अपडेट करता रहता है। आज हम बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेस फोर की। सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ठोकर न्याज बेग से ये तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाकिया है और रिंग रोड से बात करें तो 15 से 20 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है, जहाँ पर बहरिया ऑर्चर्ड भी आता है। अगर इसकी सराउंडिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो ख़याबान अमीन, चनार बाग, AWT और बहरिया टाउन की लोकेशन एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेस फोर को। बहरिया ऑर्चर्ड फेस फोर के बेसिकली 6 ब्लॉक्स हैं जिनके नाम G1, G2, G3, G4, G5 और G6 हैं। सबसे पहले हम G1 ब्लॉक की बात करते हैं। जैसे ही हम बहरिया ऑर्चर्ड फेस फोर में दाखिल होते हैं उसके लेफ्ट साइड पर G1 ब्लॉक की लोकेशन एग्जिस्ट करती है। इसमें 1 कनाल और 5 परला कैटेगरी के प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और 5 परला और 8 परला कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं वो कमर्शियल हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है, इसमें मस्जिद है और ये मस्जिद फुली तौर पे फंक्शनल है, यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है और इसे रियाज मस्जिद कहते हैं। इसकी सराउंडिंग्स की मज़ीद बात करें तो इसमें 2 बहुत ही बड़े और ख़ूबसूरत पार्क हैं जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं। G1 ब्लॉक में जैसे ही आप एंटर होते हैं सबसे पहले आप कमर्शियल प्लॉट्स को देख सकते हैं, जहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस वक्त जारी हैं, जिसमें टाइम स्केयर मॉल रेजिडेंशिया शेरावाला ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है और दिगर जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर डिवेलप्ड हैं। 1 कनाल प्लॉट की जो रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हैं सोसाइटी में, इसकी जो फिलवक्त प्राइस है 1.50 करोड़ से लेकर 2.20 करोड़ तक है, और जबकि 5 परला की रेजिडेंशियल जो प्लॉट है उसकी जो प्राइस फिल वक्त चल रही है 60 लाख से लेकर 70 लाख तक है। इसी तरह कमर्शियल यूनिट्स की अगर बात करें तो 5 परला कैटेगरी का जो प्लॉट है वो 1.80 करोड़ से लेकर 2.20 करोड़ तक है, जबकि इसमें 8 परला की जो कैटेगरी का जो प्लॉट है वो 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक की रेंज में है। अब हम बात करते हैं G2 की लोकेशन की बात करें तो जैसे ही आप बहरिया ऑर्चर्ड फेस फोर में एंटर होते हैं इसकी राइट साइड पर G2 की लोकेशन एग्जिस्ट करती है। इसमें रेजिडेंशियल जो प्लॉट की कैटेगरी है वो 1 परला है, जबकि कमर्शियल में 5 परला और 8 परला यहाँ पे अवेलेबल है। वो क्लाइंट जो G1 में प्लॉट नहीं ले सकते वो G2 में प्लॉट्स को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस की जो कैटेगरी है वो G1 की निस्बत कम है। अगर प्राइस कंपेरिजन करें तो G1 की निस्बत G2 में प्राइजेस कम हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल के हवाले से हों या कमर्शियल के हवाले से हों, तो वो नाज़रीन जो G1 में अफोर्ड नहीं कर पा रहे कमर्शियल या रेजिडेंशियल, तो वो G2 में अपने प्लॉट्स को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं G3 की लोकेशन की बात करें तो जैसे ही आप बहरिया ऑर्चर्ड फेस फोर में एंटर होते हैं इसके फर्स्ट राउंड में आप देखते हैं कि G3 की लोकेशन एग्जिस्ट करती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर कैटेगरी की बात करें तो इसमें 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 8 मरला और 5 परला जो है कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ इसमें बहरिया की तरफ से एक स्कूल भी बनाया जा रहा है जिसका ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ साथ वो तकरीबन 1 से 1.5 साल में इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। अब हम बात करते हैं G4 की। G4 में 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल हैं, जिसमें 5 परला और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह G5 में और G6 में 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ कमर्शियल की बात करें तो 5 मरला और 8 मरला कमर्शियल यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से या इसके अलावा पाकिस्तान में दिगर सोसाइटीज़ के हवाले से आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे कोई डिटेल्स चाह रहे हैं तो आप मेरे नंबर पे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।